हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर वेलकम टू अभिमन्यू आई एस और आज हम जैसे हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पे यू you नो know, हमारी पी पी एस सी के प्रीवियस ईयर डिस्कशन की उसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स एंड आई होप कि आप सब उस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो भी कर रहे होंगे तो ये हमारा सेशन फोर है और हमारे टू थाउजेंड थर्टीन की यही सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम यू you नो know, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उससे रिलेटेड फैक्ट या वो कुछ कुछ वो जो क्वेश्चन था उसको हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते थे राइट right? तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओके स्टूडेंट सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कीजिए स्टूडेंट केयरफुली एंड देन आंसर इट तो क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ बॉम्बे जुरिस्डिक्शन ऑफ बॉम्बे बॉम्बे की जुरिस्टिक्शन के अंदर वो क्या नहीं करता यहाँ पे नहीं आता फॉल नहीं करता ठीक है ऑफ़ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ बॉम्बे कोर्ट तो पहला कह रहा है दमन एंड दियो दूसरा कह रहा है दादरा एंड नगर हवेली तीसरा है गोवा और चौथा है हमारा लक्षद्वीप ठीक हियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से बॉम्बे की लोकेशन देखो तो दिस दिस इज अवर इंडिया एंड दिस इज द बॉम्बे यहीं पे हमारी दमन एंड दियू हमारी क्या पड़ती है यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर भी यहीं पे है और गोवा भी इसी के नीचे छोटा सा एक स्टेट है ठीक है बट अगर आप लक्षद्वीप देखो तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो यहाँ पे है हमारे इस जगह पे केरला के साथ तो दैट्स वाई स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन इज द फोर ओनली सी जो लक्षद्वीप है स्टूडेंट वो जो है वो हाई कोर्ट बॉम्बे के अंदर ना आके वो केरला हाई कोर्ट के अंदर उसकी जोरिस्टिक्शन आती है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप इसका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है समझ में आया इन तीनों ये तीनों जो है वो तो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ही आते हैं और लक्षद्वीप जो है स्टूडेंट वो हमारी केरला हाई कोर्ट के अंदर आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्लियर है यहाँ पे ठीक है सो लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हां जी थर्टी टू नंबर क्वेश्चन यहां पे पढ़िए और फिर अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स थर्टी टू नंबर क्वेश्चन हाँ जी क्वेश्चन पढ़िए थर्टी टू नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है ध्यान से अगर ध्यान से देखो तो पॉलिटी का क्वेश्चन है कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताना है क्या कहता है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली स्टेटमेंट में वो ये बोलता है दूसरी में बोलता है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ हाई कोर्ट कौन से जज की बात किया हाई कोर्ट के जज की बात की इसने थर्ड स्टेटमेंट है ही हैज द राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या था उसको बोलने का हक हाँ होता है दोनों हाउसेस के अंदर चौथी स्टेटमेंट में वो बोलता है ही कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट समझते हो जहां पे पार्लियामेंट जो है वो मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं किसी भी यू you नो know, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को उसकी पोस्ट से हटाते ठीक है अच्छा वोटिंग होती है, एक एक सेंस में नेक्स्ट है ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स कहता है वो सारे कोर्ट के अंदर ऑडियंस का उसको राइट right होता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो पहली स्टेटमेंट बोलता है वन टू थ्री फोर दूसरी टू थ्री फाइव थर्ड वन टू थ्री फाइव डी है वन थ्री एंड फाइव हाँ जी आंसर करो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है है ना आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो बताइए क्या आंसर होगा इसका

यहाँ पे दो जो है वो हम इम्पीचमेंट से हम उनको क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेनली दो हैं ठीक है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट इन दोनों को आप के थ्रू आप आप क्या कर सकते हो पे उनको आप हटा सकते हो उनकी पोस्ट से ठीक है अटोर्नी जनरल जो है पहली स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो President, President ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट वो प्रेजिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और प्रेजिडेंट ही उसको क्या कर सकता है पोस्ट से हटा सकता है ठीक है ऑन द एडवाइज ऑफ गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट uh, पावर में होगी सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एंड वन थ्री एंड फाइव पहला करेक्ट है ही इज अपॉइंटेड थर्ड करेक्ट है ही हैज द राइट टू स्पीक हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस में वो बोल सकता है तीसरा है ही इज द राइट ऑफ ऑडियंस क्योंकि वो हाइएस्ट क्या होता है हमारा हाइएस्ट यू नो उसका रैंक होता है एडवोकेट्स के अंदर ठीक है इंडिया में उसका हाइएस्ट रैंक होता है एडवोकेट्स में ठीक है तो एक्चुअली में वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट के अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई जजमेंट पूछी जाती है या उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है को, किसी भी कोर्ट ने तो वहां पे कौन जाएगा अटॉर्नी जनरल जाते ठीक है ओके क्लियर है ठीक है ठीक है ओके लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हां जी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पढ़िए स्टूडेंट ध्यान से और फिर पहले ध्यान से क्वेश्चन को, को पढ़ लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए बिना आप एक बार में ली और आपने आंसर कर दिया क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन गलती यही करते हैं बच्चे ज्यादातर कि पहले वो पढ़ते नहीं है ध्यान से फटाफट स्टेटमेंट रीड की फटाफट देखा फटाफट टिकल गई फटाफट आगे ठीक है और इस फटाफट के चक्कर में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाते ठीक है क्वेश्चन गलत हो जाए फिर घर पे आके देखते अरे क्वेश्चन गलत हो गया यार इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया सी ही स्टूडेंट एक बात आप याद रखो हमेशा एग्जाम में एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लो अच्छे से कि अगर स्टूडेंट जो क्वेश्चन सभी के सही हो रहे हैं ना स्टूडेंट जो क्वेश्चन सभी के सही हो रहे हैं मतलब आपको पता है कि यार ये सब करके आए होंगे है ना रियल कॉम्पिटिशन की बात कर रही हूँ मैं कॉम्पिटिटिव की बात कर रही हूँ ना कि मैं ऐसे भीड़ की बात नहीं कर रही हूँ अगर वो सब सही हो रहा है ना सबके तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए एटलीस्ट आप वो जरूर सही करके आओ जो सब सही कर रहे हैं ठीक है थीके? उसके बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आते हो फिर वहाँ थोड़ा सा जरूर आपकी यू नो एज होनी ही चाहिए किसी थोड़े कॉन्सेप्ट पे जहाँ पे आप कंपटीशन को एलिमिनेट कर सको बट हाँ अगर आप पहले ही ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ गए जो सबने सही किए हैं फिर तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो फिर तो मतलब कोई दोरा ही नहीं है फिर कोई मतलब भी नहीं बनता कोई सेंस नहीं है है ना फिर आप पहले से ही बाहर हो ओके सो so, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने जैसे ये क्वेश्चन था अभी ये क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सबने पॉलिटी पढ़ी होगी अगर आपने गलती किया तो भाई आपकी पॉलिटी में आप लैक ऑफ नॉलेज है आपको पॉलिटी नहीं आती है राइट ओके ओके सो रीड कीजिए क्वेश्चन थर्टी थ्री को ध्यान से और फिर इसका आंसर कीजिए करिए रीड करिए मैं एक मिनट का यहाँ पे आपको दस सेकेंड का पोज दिया करूंगी मैं ठीक है दस सेकंड का पोज फिर आप क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप आगे बढ़ते क्योंकि अगर मैं बढ़ी ना फिर आपने पढ़ना ही नहीं है ठीक है तो बेटर आप दस सेकंड का एक बार पोज लो हो गया तो ठीक है पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है पहली स्टेटमेंट देखिए कहता है वीटो पावर ऑफ द प्रेजिडेंट इज लिमिटेड वीटो पावर समझते हो ना हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है ना वीटो पावर का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी पावर के थ्रू किसी भी बिल को रोक सकता है यू नो दैट अगर हमारी पार्लियामेंट दोनों पार्लियामेंट अगर किसी बिल को पास कर भी दें उसके बाद भी प्रेसिडेंट की उस पे एसेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता कोई भी बिल जो है वो कभी भी वो बिल पास नहीं माना जाता ठीक है उस बिल को पास करना मतलब फुल्ली पास करने के लिए आपको प्रेसिडेंट का एसेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लास्ट में प्रेसिडेंट के पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको पावर दी गई है स्टूडेंट कुछ कुछ ठीक है जिसमें वो एक पावर है दैट इज वी कॉल्ड वीटो पावर जिसके तहत वो बिल को रोक सकता है उसको दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकता है वो अपनी पॉकेट में अनलिमिटेड टाइम तक भी उसको रख सकते हैं ठीक है थीके? हो सकता है वो एसेट एसेट दे ही ना उसके ऊपर ठीक है ओके okay. तो पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं द वीटो पावर ऑफ द प्रेजिडेंट इज लिमिटेड बिकॉज इफ आफ्टर रिकन्सिडरेशन मान लो प्रेसिडेंट जो है उसने बिल को रिकंसीडर के लिए भेज दिया इसके पास पार्लियामेंट के पास कि भाई दोबारा से इस पे बात करो इसको एक बार और कंसीडर कर लो मेरे को इसमें थोड़ी कमी लग रही है ठीक है तो देखो द पार्लियामेंट पासस द सेम बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट हैज टू गिव एसेंट टू द दैट बिल अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है उसके बाद रिकंसीडरेशन के बाद अगर उसके पास दोबारा बिल आ जाता है वही से है ना तो उसको उस उसपे अब एसेट करना पड़ेगा अब वो उसको दोबारा से वापस नहीं बेच सकता ठीक है नेक्स्ट है देर इज नो मैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेजिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर द रिकन्डरेशन ये कहता है कि को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई भी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आपको इतने टाइम में जो बिल है वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से पार्लियामेंट में भेजना है तो इन दो स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन था तो सी हेयर स्टूडेंट क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट वन भी सही है और टू भी सही है दैट्स बोथ एंड आर द करेक्ट बोथ वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है क्लियर आपको यहां पे ओके okay. हां जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास थर्टी फोर एक चीज आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लेंथ ही पूछ रहे हैं है ना 2013 का बहुत पुराना पेपर है लेकिन आप क्वेश्चन की लेंथ देखिए आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी है तो मतलब ठीक ठाक लेंथ है ऐसी बात नहीं है ठीक है कि आप फटाफट से नहीं पढ़ के दे सकते ठीक है मतलब एक लेवल है यार पी का है ना एक लेवल मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने की हाँ भाई इतना डिफिकल्ट और इतना जायज है आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है उसका लेवल ना हो ये हो ही नहीं सकता ठीक है सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली हाँ जी क्वेश्चन पढ़िए आप विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर ए पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज स्पेसिफाइड इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेवंथ शेड्यूल क्या है हमारा स्टूडेंट इसके अंदर हमारी लिस्ट यू नो मेंशन की हुई है स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में कौन से आते हैं कंक्रिंट मतलब कि दोनों हैंडल कर सके हो स्टेट भी और सेंटर भी उस पर लॉ बना सके ऐसे सेवंथ शेड्यूल हमारा किसमें फिक्स है हमारा लिखा हुआ है किसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है एज स्पेसिफाइड इन सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आती है मतलब सॉरी oh, स्टेट के पास आती है मतलब कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती तो पहला स्टेटमेंट है कहता है मार्केट एंड फेयर्स मार्केट एंड फेयर्स दूसरा कहता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज तीसरी स्टेटमेंट है कल्टीवेशन मैन्युफैक्चर एंड सेल फॉर द एक्सपोर्ट और ऑफ ओपिनियन हर फोर्थ स्टेटमेंट है इंश्योरेंस फिफ्थ स्टेटमेंट है रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल ठीक है तो पांच स्टेटमेंट है यहाँ पे, अब देखिए आप यहाँ पे क्या चीज़ है तो हाँ जी आंसर करो स्टूडेंट अब आपको मैंने पढ़ा भी दिया इसका आंसर कीजिए आप बताइए तो स्टेटमेंट क्या है देखिए यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट डी वन टू एंड एंड कैसे सही है देखिए पहली वो स्टेट सब्जेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही फिफ्थ जो है रिलीफ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड ये भी आपका स्टेट है तो बचा कौन सा आपका बच्चा तो कौन सा आपका एक तो कल्टीवेशन मैन्युफैक्चर एंड सेल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ़ ओपियम ओपियम की जो खेती है या उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है समझ में आया क्लियर आपको यहाँ पे दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यहाँ पे क्लियर आपको ठीक है जी थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहां पे स्टूडेंट ध्यान से थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पढ़िए थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट से यहां पे ध्यान से आप थोड़ा क्वेश्चन ऊपर करती मैं आपको शायद ऑप्शंस ना दिखाई दे रही हूँ दिख रहे? हाँ दिख रहे दिख रहे चलो पढ़िए फिर क्वेश्चन क्या है कह रहा है ऑफ द द इज आर मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओगे स्टूडेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे किस शेड्यूल के अंदर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे किस शेड्यूल के अंदर आता है प्लीज डू कमेंट स्टूडेंट ठीक है देखिए आप कहता है ऑफ ऑफ द द आर मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पहला है सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या कहते हैं एक्चुअल में कुछ भी नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हैं स्टूडेंट्स जो हमारे स्टेट को गाइड करते हैं मतलब कि स्टेट मीन गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको सोसाइटी का वेलफेयर करना है मतलब कि ये तरीके कि Indian, you know, एक तरीके की इंडियन यू नो एक हमारे इंडिया की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है उसको वो हाईलाइट करता है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर जो स्टेट है वो किस तरीके से क्या करेगा हमारी लोगों की यू नो वेलफेयर के लिए काम करेगा ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको उसे अपने माइंड में रखना है हमेशा ध्यान रखना है इंडियन गवर्नमेंट को चाहे फिर वो कितना भी टाइम हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए कि किस तरीके से लोगों की वेलफेयर करनी है लोगों की यू you नो know, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमें और कौन सी ऐसी मॉरल और एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए जो हमेशा मेंटेन रहे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो यही है सिंपल सा तो पहला है हमारा सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री

बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंडरी बिल्कुल की एनिमल्स की किस तरीके से यू you नो know, हमें डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है है ना तो उस चीज को है तीसरा है प्रोविजंस ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए सो so दैट उनको एक हेल्थी मैनर में उनकी एक डेवलपमेंट हो सके है ना तो सी एर स्टूडेंट गवर्नमेंट जो है वो राइट टू एजुकेशन है ना बिल लेकर आई थी टू थाउजेंड सिक्स में क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए कि जितने भी हमारे जो यू you नो know, uh, हमारे चिल्ड्रंस हैं उनकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टार्टिंग से है ना सो so दैट वो आगे चल कर एक बेटर फ्यूचर बना सके अपना और कंट्री का राइट सो दैट्स थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट हाँ लेकिन प्रोविजन ऑफ सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ये तो एक तरीके का यू you नो know, आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि आपको हमेशा अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है सेफ करके रखना है और ये गवर्नमेंट की एक तरीके की ड्यूटी है ठीक uh, है ये डीपीएसपी का वो नहीं है ठीक है पार्ट नहीं है ठीक है ये एक लीगल प्रोविजन है एक्चुअल में सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन टू एंड थ्री ठीक है ठीक है पब्लिक प्रोप... अच्छा अगर ऐसा होता सेफ गार्डिंग पब्लिक वेलफेयर है ना तो फिर डी पी पी का वो पार्ट होता पक्की बात होती ठीक है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है ठीक है पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो यहाँ पे एक लीगल तरीका है मतलब कि एक तरीके की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें कोई भी पब्लिक पार्क है मोनूमेंट है हमेशा उसकी सेफ गार्ड करके रखना है, है ना उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना तो ये लोगों की एक फंडामेंटल ड्यूटी है ठीक है हमारी कंट्री के प्रति ठीक तो है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ओके लेट्स मूव फर्दर हाँ जी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखिए यहाँ पे अरे ये क्या हो गया क्या हो गया इतना बड़ा ये ऐसे हो गया ये इसको बाद में देखते हैं पहले आप थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए हाँ जी थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताइए क्या कह रहा है व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट कह रहा है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर ऑफिस वैकेंट हो जाए और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज हाउस ऑफिस सॉरी द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस आर परफॉर्मड बाय एन एक्टिंग चीफ जस्टिस हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिव एक्टिंग का मतलब ये है स्टूडेंट की मान लो चीफ जस्टिस छुट्टी पे हैं 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 लीव पे है, या कि वो वो नहीं नहीं कर कर पा रहे नहीं कर पा रहे रहे ड्यूटी परफॉर्म है उसको कौन अपॉइंट करता है उसको कौन अपॉइंट करता है इसका आपको आंसर देना है तो सीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते नो डाउट अबाउट दैट कि जो भी acting judge भी एक्टिंग जज होगा चीफ जस्टिस जो एक्ट करेगा जब तक वो ली पे हैं ठीक है उनको भी कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ही करेगा उनको भी कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ही करेगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन और जो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है स्टूडेंट उसको बिल्कुल सेम उतना ही अमाउंट अलाउंसिस और उतनी उसको सिक्योरिटी और सब कुछ उतनी ही पावर मिलती है जितनी हमारी ओरिजिनल जो उस टाइम पे जज है है ना उसको है ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके पास जितनी पावर है उतनी ही सेम पावर रहती है एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास भी उतनी ही पावर रहती है ठीक है यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ओके ठीक है हाँ जी ठीक है तो ओके okay, स्टूडेंट्स तो हम यहीं तक इसको आज कवर करेंगे ठीक है बट बिफोर दैट सी हियर कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आप उसको देखने के बाद ठीक है बहुत ही आपके लिए यूजफुल थिंग है ठीक है तो आप देखिए उस चीज को क्या चीज है तो देखते हैं हम यहाँ पे तो so सीर अगर मान लो आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करना है अभी पीडिया पे अभी पीडिया का यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म है अभी मनु आई का ही तो आप क्या कीजिए चूज एग्जाम पे जाइए यहाँ पे देखिए चूज एग्जाम पे जाना है आपको किसी भी चीज की प्रिपरेशन करनी है फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है सी सेट के लिए रेडी करना है आपको सिर्फ सी सेट करना है चलो सी सेट की बात कर लेते हैं मान लो आपको सिर्फ सी सेट प्रपेयर करना है फॉर द पी सी एस एग्जामिनेशन ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे तो आप क्या कीजिए मूव कीजिए यहाँ पे और माइक्रोवर्स पे जाइए माइक्रोवर्स पे जाने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले आप कीजिए यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर क्या कीजिए नंबर रजिस्टर कर लीजिए फटाफट से करने कर लिया भी हो गया उस पर आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है देखिए मान लो आपको मैथ एंड मेंटल एबिलिटी में प्रॉब्लम है आप क्या करो इस कोर्स के ऊपर लिंक कीजिए क्लिक करने के बाद सी हर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो ओनली एंड ओनली थ्री थाउजेंड फोर थर्टी सिक्स के अंदर रुपीज के अंदर आप क्या कर सकते हो पूरा पूरा मैथ और मेंटल एबिलिटी का कोर्स परचेज कर सकते हो ठीक है पूरा पूरा कोर्स क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कर सकते अच्छा। लो आपको वो भी नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है मतलब की आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम चाहिए ठीक है आपका नंबर सिस्टम वीक है आपको सिर्फ वही चाहिए तो आप क्या करो नंबर सिस्टम system... तो आप क्या करो नंबर सिस्टम पे क्लिक कीजिए और थ्री ट्वेंटी फोर रुपीज में ओनली थ्री ट्वेंटी फोर रुपीज में आप क्या कीजिए नंबर सिस्टम के लिए वहां पे आप उसको रजिस्टर कर लीजिए जिसमें स्टूडेंट्स आपको दस क्लास लेक्चर मिलेंगे ठीक है उसके साथ नाइन आपको वेब नोट्स मिलेंगे और चार सौ इक्कीस मतलब फोर ट्वेंटी वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली फॉर द नंबर सिस्टम समझ में आया स्टूडेंट्स आपको तो कितना आसान है ना प्रिपेयर करना ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो विद योर प्रेपरेशन विद योर प्रेपरेशन आप क्या कर सकते हो अपने फाइनेंसिस को भी क्या कर सकते हो मैनेज कर सकते हो है ना मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए बिल्कुल ठीक है तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल होनी चाहिए रीजनेबल प्राइसिस पे आपको एक बहुत अच्छी यू नो क्वालिटी वाइज अगर